मुझे लग रहा था दिल्ली का सरकार फेमस होगा, लेकिन यहाँ तो वड़ा पाव फेमस हो रहा है। ये दिल्ली की वड़ा पाव दीदी, मैं इसको जब भी देखता हूँ या तो ये रो रही होती है या फिर चिल्ला रही होती है। अब मुझे लग रहा है कि दिल्ली की सरकार ओपोजिशन वाले से नहीं गिरेगा, ये तो वड़ा पाव से गिरेगा। चर्चा ही इतना चल रहा है और दिल्ली का वड़ा पाव दीदी तक तो ठीक था, लेकिन अब ये वड़ा पाव बॉय भी आ गया। साला जब से केजरीवाल जेल को गया दिल्ली का पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है। यार अब आओ वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कि मैं रेडी पे काम क्यों कर रहा हूँ, घर वालों की जिम्मेदारी अपना टैलेंट है बेचने का शौक है। वो परेशानी, पापा के पैर में चोट लगी हुई है, स्लिपटी से तो पापा से ज्यादा खड़ा नहीं। मम्मी पापा का सपना है आईएएस बनाने का, स्कूल भी जाता हूँ, यहाँ पे काम भी करता हूँ। वड़ा पाव ऐसे नहीं बनता है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। मेरे कार्ड पे बातें नहीं मिलेंगी, मेरे कार्ड पे खाने के लिए मिलेगा। सुबह से बात चोदे जा रहा है और बोलता है कि मेरे ठेले पे बातें नहीं मिलेगी, तो वड़ा पाव ही लगा दे। उस तेल में इतना तो वड़ा भी नहीं तला होगा जितना ये लोगों का घर तलता है। साला आजकल हो क्या रहा है, ये ठेले वाले इतना बातें क्यों चोद रहे। अभी ये वड़ा पाव बेच रहा है लेकिन माँ बाप का सपना है कि आईएएस बनना है। मम्मी पापा का सपना है आईएएस बनाने का। देख भाई, वड़ा पाव बेच के आईएएस का पता नहीं, लेकिन बड़ा होकर लड़कियों का भैया जरूर बनेगा। भैया 2 वड़ा पाव लगाना एक्स्ट्रा मिर्ची के साथ। नहीं, मजाक से हटके ये बच्चा इतना बात ही चोदता है और माँ बाप का सपना है कि आईएएस बनना है, फिर तो पढ़ाई सही होगा ना। 8 8 3 24 8 4 32 8 5। नहीं, इसी दिन के लिए माँ बाप ने ठेला लगवाया था वड़ा पाव का। को पैसा बर्बाद। देख भाई, तू वड़ा पाव बेचना छोड़ दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना पूरी जिंदगी वड़ा पाव बेचना पड़ जाएगा और साला इसको आईएएस बनना है। ये वीडियो वायरल हो रही है, वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ 20 रुपए का वड़ा पाव खिला रहा हूँ। खिलाए भाई, कुछ जगह 150 रुपए की भी मोमोज मिलते हैं, कुछ जगह 50 रुपए की भी मिलते हैं। आपकी इच्छा है सर, आप क्या खाना चाहते हैं? मैं तो वो खाना चाहता हूँ जो 6000 में मिलता है। यही चक्कर में अपने मन की इच्छाओं को दबाए रखता हूँ, हालांकि किसी को वैल्यू नहीं है। वड़ा पाव मुंबई का हो के मुंबई में इतना फेमस नहीं था जितना अभी दिल्ली में हो रहा है। नहीं, इनके वड़ा पाव का सीक्रेट क्या है ढूंढना पड़ेगा। अबे साले, नहीं ये वड़ा पाव में टेस्ट डालने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं लग रहा। पहले तो बस पानी पूरी वाले से डर लगता था, लेकिन लो वड़ा पाव से भी लगना शुरू हो गया। इनका साला पता नहीं कौन से चट में उंगली डाल के चटनी खिला दे। समय का इंतजार करो, तुम मुझे देखते रह जाओगे। अरे दीदी, वड़ा पाव का ठेला लगाओ जाके, वरना आंटी ओवरटेक कर लेगी। साला ये समझ नहीं आता, ये थोड़ा फेम मिलते ही अपना धंधा छोड़ के मोटिवेशन क्यों पेलना शुरू करते हैं। पहले MBA चाय वाला था, फिर डॉली चाय वाला, लो अब ये वड़ा पाव दीदी। नहीं, अगर इनका ऐसे ही चलता रहा ना, फिर तो संदीप महेश्वर का खतरा है इनसे। आखिर ठेले वाले कहीं भी लगा देते। बात तो सही है। कोई बात बताओ, आप लोग मेरी वीडियो बना के जाते हो, इनको व्यूज मिलते हैं, इनको यूट्यूब पैसा देता है, मेरा क्या फायदा? नहीं, इतने कैजुअली जिस थाली में खाया उसी में कैसे कोई हकता है, वही सो कॉल्ड फूड ब्लॉगर ने फेमस करवाया और अभी उन्हीं को बोल रहे की इनसे मेरा क्या फायदा। नहीं, ठीक किया दीदी, इतना तो ये फूड ब्लॉगर डिजर्व भी करते हैं। और जाओ भोसड़ी वालों, और करो फेमस। अब मिल गया ना बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे खर्चा चलेगा? इसको डॉक्टर बनाना है, भाई है नहीं, अब पापा जी है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। सबको बस वड़ा पाव बेचना है, खाने में और भी तो है, मोमोज से मैगी से, उनको क्यों छोड़ा है? और आंटी, शादी नहीं हुआ तो इतनी बड़ी लड़की कहाँ से उठा ली? अब अकेले कुछ बोलूंगा ना भोसड़ी के भी बात हो जाएगा। अब ऐसा ही चलता रहा ना तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब वड़ा पाव का ठेला लगाएंगे। अब डेली को डेली बोलने से कोई नहीं जानता, इसको वड़ा पाव का सिटी घोषित कर दो, बस यही बाकी है। वड़ा पाव चीजी है ना, इसलिए 60 के हैं, और मेरे वड़ा पाव भी तो देखो बड़े बड़े हैं। ये है मेरे प्यारे प्यारे कस्टमर। माँ कसम, मुझे इसका वड़ा पाव खाना है। आजकल सोशल मीडिया में खुद को हाईलाइट करने के लिए खाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना तुम सोचो इतना बड़ा वड़ा पाव तुमने आज तक कभी देखा भी है? मेरा ना बचपन से बस एक ही सपना था कि मुझे बड़ा होके चीजी वड़ा पाव खाना है, इतना बड़ा बड़ा, और वो भी इनका। रोस्ट वीडियो बना दिया आप पे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहूंगी भाई, मेरा मालिक बोलेगा, मैं उतनी आगे बढ़ूंगी जितनी गलत वीडियो जाएगी। नहीं, हम रोस्टर को मालिक देख भी लेगा, लेकिन ये दिल्ली के म्यूनसिपालिटी वाले सो रहे हैं क्या? इनका ठेला उठा लो, इससे अगर लोग इन्फ्लुएंस होने लग जाए तो दिल्ली के रोड में ठेले के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 3-4 तो ऑलरेडी निकल भी चुका है, और बात यहीं तक कहाँ था, इनसे इन्फ्लुएंस होके बात अब आसम तक पहुँच गया। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं। और इनका अलग ही चल रहा है, एक तो साला ये कहीं दिख जाने तो गांड से कोयला निकलता। अभी सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है कि जल्दी से ठेला लगाओ और जल्दी से वायरल हो जाओ। ये सोशल मीडिया किसी दिन वायरस का इज्जत करके मानेगी। हर तीसरा इंसान ऐसे इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होकर ठेला लगाने लग जाए ना, तो फिर से ये दुनिया तो गयो गयो भाई गयो, कहां गयो पता नहीं लेकिन गयो। तो बस ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। और हाँ, ये वीडियो कोई पर्सनल नहीं है, इट इज पर्सनल। अगर किसी को इस वीडियो से ऑफेंड होना है तो रहो, आई डोंट माइंड। अबे साले, तो बस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं चलता हूँ, मिलती है तुम्हें अगले वीडियो में।